जो लड़कियां हैं वो रहती तो चुड़ैल हैं पर वो परी जैसा दिखना चाहती हैं, इसके लिए वो 75 टाइप का क्रीम लगाती हैं, जैसे फेयर एंड लवली हो गया, मल्टी विटामिन सन प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ क्रीम। कई कई महिलाओं को तो ऐसा पिंपल्स हो जाता है जैसे कटहल की तरह एकदम बड़का हाई भी टाइप वाला पिंपल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उनका चेहरा है कि कटहल का पेड़ है। एक लड़की है, इसका नाम भूकंपा देवी है। अब मान लीजिए कोई लड़का एकदम मस्ती में जा रहा है सड़क पर, अब बगल से कोई लड़की उसको ताक दी, अब वो रात भरा के टेंशन में रहेगा, वो माई गॉड हमको घूर के ताकी थी, हाँ भाई टोना मार दी थी, जाके घर वालों जिंदगी 4 दिन की है, खाओ पियो ऐश करो, हालांकि 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। देख रहे हैं दिखाई दे रहा है एकदम चुड़ैल वाला खरबटहवा नाखून, ऊपर से उस पर नेल पॉलिश लगा हुआ है, तो दिस हैंड बिलोंग टू अ गर्ल। लड़कियां हमेशा चाहती हैं उनका चेहरा LED बल्ब की तरह भभके, तो इसके लिए 75 टाइप का क्रीम लगाएंगी। हेलो दोस्तों, तो आज हम जानते हैं पिंपल्स क्यों होता है। हाँ, बहुत मजेदार टॉपिक है, तो चलिए जानते हैं पिंपल्स होने का कारण। पहला तो हो गया मानसिक तनाव, आप अगर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव यानी टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई लड़का एकदम मस्ती में जा रहा है सड़क पर, अब बगल से कोई लड़की उसको ताक दी, अब वो रात भरा के टेंशन में रहेगा, वो माई गॉड हमको घूर के ताकी थी, हाँ भाई टोना मार दी थी, जाके घर वालों। अब लाइब्रेरी में गए हैं, कोई अगल बगल देख ले, कोई के मतलब समझते ही हैं, तो टेंशन जरा भी नहीं लेना, एग्जाम देना है, एकदम टेंशन आ गए हो, माई गॉड एग्जाम कैसे मैं पास हूँगा क्या होगा, जरा भी टेंशन नहीं, जिंदगी 4 दिन की है, खाओ पियो ऐश करो, हालांकि 4 दिन से ज़्यादा हो गए है। तो पहला कारण मानसिक तनाव। दूसरा, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कब्ज हो गया, और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनके कारण ये हो जाता है। तीसरा, हार्मोनल चेंजेज, जो 12 से 13 साल की उम्र है इसके बाद शरीर में हार्मोनल चेंजेज आते हैं जिसके कारण भी पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये सब तो तनिरा ऊपर ऊपर बताने वाला कारण था, साइंटिफिक रीजन हम लोग जानते हैं। देखिए, ये किसी का हाथ है, किसी का क्या, ये किसी लड़की का हाथ है, देख रहे हैं दिखाई दे रहा है एकदम चुड़ैल वाला खरबटहवा नाखून, ऊपर से उस पर नेल पॉलिश लगा हुआ है, तो दिस हैंड बिलोंग टू अ गर्ल। इसका जो ये त्वचा है उस पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से बाल निकले रहते हैं। अब वहीं बगल में यहाँ देखिए ये एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं सीबेसियस ग्रंथि। अब ये ग्रंथि करती क्या है, सीबम का निर्माण यानी जो तैली पदार्थ होता है उसका निर्माण करेगी और उसको बाहर निकाल देगी। इससे होता क्या है, शरीर हमेशा नमयुक्त रहेगा यानी शरीर सूखेगा नहीं, उस पर नमी हमेशा बनी रहती है। ये जब भी सीबम बाहर निकलता है तो अपने साथ साथ कुछ मरी हुई कोशिकाओं को भी बाहर निकालता है और त्वचा पर पाई जाती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया। ये जाकर उस सीबम को खा जाती है, इसके अंदर लाइपेज पाया जाता है, उसी से वो उसको डाइजेस्ट कर देती है, तो ये उसको खाने का काम करती है। अब कभी कभी इसके साथ साथ सीबम के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में मरी हुई कोशिकाएं निकलती हैं तो वो ऊपर आके इस पोर को बंद कर देती हैं, एकदम ब्लॉक कर देती हैं। अब इधर नीचे से सीबम बन तो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो शरीर है वो WBC और RBC दोनों को आदेश देगा कि जाओ देखो वहाँ हो क्या रहा है, सब लोग काहे रुके हुए हैं, इतनी भीड़ काहे लगी है। तो RBC यहाँ पर आ जाता है जिसके कारण ये जो पिंपल है वो लाल हो जाता है और WBC भी यहाँ आ रही है, इधर से ये जो बैक्टीरिया है वो भी अंदर प्रवेश कर जाता है ताकि चले बहुत ज़्यादा सीबम को खाए, उसको तो सीबम का फैक्ट्री मिल जा रहा है तो अंदर सब आते रहते हैं। अब WBC जाकर इनको मार देता है, अब जैसे मारेगा तो उसी के कारण यहाँ पर सूजन हो जाती है यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी यानी उभार हो गया, अब यही क्या है पिंपल। जो लड़कियां हैं वो रहती तो चुड़ैल हैं पर वो परी जैसा दिखना चाहती हैं, इसके लिए वो 75 टाइप का क्रीम लगाती हैं, जैसे फेयर एंड लवली हो गया, मल्टी विटामिन सन प्रोटेक्शन बुलेट प्रूफ क्रीम, पोन्स हो गया। लड़कियां हमेशा चाहती हैं उनका चेहरा LED बल्ब की तरह भभके, तो इसके लिए 75 टाइप का क्रीम लगाएंगी। और वो भी कैसे, ऐसे क्रीम ले लेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद 2 घंटा इधर ऐसे ऐसे जैसे दुआर लीप रही हैं। और लड़कों का ऐसे क्रीम लिए, इस तरह से किए जैसे मुंह धोते हैं, ऐसे लगा के 2 सेकंड में एकदम लंबा। एक लड़की है, इसका नाम भूकंपा देवी है, ठीक। अब ये अपने चेहरे पर जैसे क्रीम लगाएगी तो इसके चेहरे पर एक परत चढ़ गई, अब अंदर सीबम तो बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ऊपर एक ऐसे एक परत चढ़ गई, तो अंदर ये बाहरमा नहीं आ रहा है लेकिन अंदरमा तो बन रहा है, तो जैसे ही ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ होगा ले हले उभार उत्पन्न कर देगा, हो गया पिंपल्स। कई कई महिलाओं को तो ऐसा पिंपल्स हो जाता है जैसे कटहल की तरह एकदम बड़का हाई भी टाइप वाला पिंपल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उनका चेहरा है कि कटहल का पेड़ है। अब देखिए, पिंपल्स आपको हो गया है या फिर होने वाला है, तो इस
से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ कुछ दवाओं का नाम दिखाई दे रहा होगा, उसका आप उपयोग कर लीजिएगा डॉक्टर की सलाह से, मनमानी नहीं कि चले लगाने लगे। और सबसे आसान और घरेलू टिकाऊ सस्ता उपाय है, दिन भर में लड़के हैं तो 5-6 बार मौत होते रही किसी साबुन से, और लड़कियां हैं तो 5-6 बार क्या, लड़कियां हैं तो 45-46 बार, क्योंकि 5-6 बार कहेंगे तो लड़कियां तो वैसे कहेंगी करे 10 बार तो हम ऐसे धोते हैं, तो लड़कियों को कम से कम दिन भर में 45-46 बार मुँह धो लेना है, लड़कों को कम से कम 5 बार। इससे होगा क्या, ऊपर जो सीबम जमा होता है वो हटता रहेगा, और ये जो बैक्टीरिया है धो देंगे जब साबुन से तो यहू बह जाएगा। सबसे आसान तरीका, पिंपल्स कभी नहीं होगा। और महिलाओं के लिए खास सलाह है, जो ये 75 टाइप का क्रीम लगाती हैं इसकी जगह नीम के पत्ते को गर्म करके उससे मुंह धो लें, एलोवेरा लगा लें, तब भी पिंपल्स नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका एलोवेरा, और आसान साबुन से मुंह धोते रहो बार बार। एकदम सरल तरीका पिंपल्स गायब, लीच थेरेपी। देखिए इसमें होता क्या है, अब जिसको भी एकदम हैवी कटहल टाइप का पिंपल्स हुआ है उसके चेहरे पे ले जाके जोंक बहुत सा ऐसे छोड़ देंगे, जब जोंक छोड़ देंगे तो वो जोंक जाकर जहाँ पिंपल्स हुआ रहेगा उसके मिवाज को एकदम चूस लेगा, एकदम सुरुक लेगा, और वहाँ पर कुछ पदार्थ स्रावित कर देता है जिसके कारण वहाँ दोबारा कभी पिंपल्स नहीं होगा। तो ये लीच थेरेपी हालांकि अब तो कोई नहीं करवा पाएगा, तो सबसे बढ़िया मुंह धोते रहो कभी नहीं होगा, आराम से खाओ पियो ऐश करो। अगर इस तरह का और वीडियो आप चाहते हैं तो वेट कीजिए, आएगा ना बाद में।